नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, धामी जी जैसे मुख्यमंत्री भी बहुत कम होते हैं और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तो होते ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान ने मौका दिया तो मंगलौर में विकास की गंगा बहा दूंगा। दरअसल पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर की गुड़ मंडी के समीप अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जी हाँ, इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना का हजारों लोगों ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया और करतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं आपके बीच में एक लोगों की मदद करने के लिए जो दुआएं परमात्मा से करते हैं, जो भाइयों को बहुत कष्ट हो रहा है, जिन भाइयों का हक नहीं मिल रहा है, क्या ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो विधायक वो हैं वो बेचारे कभी किसी का कोई मदद ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ एक दफ्तर खोल के उन गरीबों का काम करूँगा जिनको उनका हक नहीं मिलता है। लेकिन उसमें भी उनने अड़चन डालने की कोशिश करी। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि सरकारी प्रॉपर्टी है। मेरे भाई ने एक ने मुझे दफ्तर दिया तो मैंने कि चलो इसमें बैठ के जो इनकी सेवा करेंगे, मंगलौर की नहीं बाकी भी इलाके की सेवा करेंगे, जो भी आएगा, जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे। लेकिन उनने वहाँ नहीं खोलने दिया। फिर मैंने एक प्रोग्राम बनाया लेकिन वो मेरे भाई ने मना कर दिया अभी कि इतने शॉर्ट टाइम में हो नहीं पाएगा। मैंने कि अगर मुझे मंडी में ही अपने लोगों को ले जाना है तो मैं गुड़ बंटवा देता हूँ, उन वो कोई ना कोई बुजुर्ग मुझे बेटा बना लेगा और बेटे जब होता है तो गुड़ बंटता है। मैंने कि पूरी मंगलौर में पूरा गुड़ बंटवा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट होगा तभी चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ेंगे टिकट? देखिए ऐसा है, मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने वाला। मैं सेवा करने आया हूँ। मैं पहले भी खुद कैबिनेट की मिनिस्ट्री से मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। मैं कोई विधायकी का, मंत्री का, इनका बिल्कुल भूखा नहीं हूँ। मुझे सागर को पार करना है तो कर्ज उतार के जाना, कहता ना इस्लाम में दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि कर्ज उतार के जो जाता है पाक साफ होके जाता है, जिस पर कोई कर्ज नहीं रह जाता है वो दुनिया में दोबारा नहीं आता है। तो मैं उस लाइन पे हूँ। मैं अपने धर्म के लिए, मैं अपने हरिद्वार में कर्ज चुका के जाना चाहता हूँ और फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं आना। बनाना जी, एक समीकरण नहीं बनता यहाँ पर ना, मंगलौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। समीकरण ये नहीं बनता कि अगर प्रत्याशी गुज्जर बिरादरी से हो तो जाट सहयोग नहीं करते और जाट बिरादरी से। देखिए मेरी क्या ये समीकरण समीकरण बना ली जाए? देखिए ऐसा है, मेरी कोई जात नहीं है, मेरी एक जो है ना, मैं पूरे समाज का बेटा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मेरे से कोई एलर्जी नहीं करता। लेकिन जो चंद लोग कैंडिडेट, पहले भी यही होता रहा है यहाँ कि जो कैंडिडेट आता है ना उसको गुमराह करवा देते हैं, दूसरे ऐसे को खड़ा करवा देते हैं जो उनको हरा ही नहीं पाता है। अब मेरे से क्या एलर्जी है? ये जो भी कुछ यहाँ हो रहा है वही तो करवा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि करतार बढ़ाना आ गया तो हो सकता है तुम्हें हार का मुंह देखना पड़े जो आज तक नहीं देखा, इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। पर उनका तो हक है कि वो अपनाए। लेकिन मेरे 36 बिरादरी को ये सोचना चाहे कि 60 साल में क्या हुआ है। गरीब मैं 18 साल पहले आया था जब भी हालात ऐसे ही थे मंगलौर के, और आज 18 साल बाद भी वही हालात है मंगलौर के। कुछ लोग सूचना कुछ ऐसी मिले, कुछ लोग जो है बाह्य प्रत्याशी भी बता रहे हैं आपको, जो भ्रामिकता फैला रहे हैं उसके लिए जी बाह्य प्रत्याशी बताकर जो। अरे मैं तो प्रत्याशी, एक बात बताइए, जब मैं प्रत्याशी होऊंगा जब तो बाहर ही बताए। मैं तो अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, उनको अभी से डर लगने लग गया कि बाहरी प्रत्याशी। अरे क्या पता जो बता रहे हैं उनको ही टिकट मिल जाए और वो मुझे बुला बुला के ले आए। अब दुनिया भर में इलेक्शन हो रहा है, गुर्जर समाज के लिए जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुझे बुला के ले जाते हमारे लिए वोट मांगते। और मैं यही कहता हूँ कि मैं नेता नहीं, मैं समाज का बेटा हूँ इसलिए। और फिर कोई ऐसा समाज नहीं है जो मुझे प्यार ना करता हो। पूरे हिंदुस्तान, वो मेरा जाट भाइयों का इलाका था जहाँ से मैं पहले जीता, वहाँ पे उन्हीं की हुकूमत चलती है। लेकिन मैं जात पात की वो करता है जो कुछ रोजगार चाहता है। मैं तो सेवा करने आया हूँ और इंसान में तो परमात्मा विराजमान है, वो जात में नहीं है, वो इंसान में विराजमान है। तो विराजमान इंसान की सेवा करना भगवान की सेवा है। बनाना जी,
मुस्लिम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता काफी ज्यादा है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम इस बार भाजपा कैंडिडेट को पसंद करेगा? एक बात बताइए, परमात्मा को सब मानते हैं ना, सबको अच्छे की जरूरत होती है, अच्छा भाई और अच्छा बेटा या अच्छा नौकर भी सबको चाहिए भाई। मैं ये करना चाहता हूँ कि कोई भी मंगलौर वासी किसी चीज से दुखी ना रहे, हर चीज की मौज रहे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की ताकत उन्हें मिले। ऐसा है कि मैंने अभी बताया कि कर्ज चुकाना पड़ता है, जब दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है, तो हो सकता है मंगलौर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है, तो इसलिए करने वाला तो अल्लाह है, परमात्मा है, कन्हैया है, मेरी मैया है, उनके बगैर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा होगा। कार्यालय का उद्घाटन था, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने विरोध किया है। अब मैं ये नहीं कह सकता नहीं ऐसा ना, मैंने वो उन्हें तो उद्घाटन रोका, चलो सरकारी संपत्ति थी, कोई बात नहीं, मैं तो गुड़बटवा देता वहां, फिर कैसे रोक लेते उसमें जाने से मेरे को। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे जमा रहे हैं बजाय उखाड़ने के, वो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे विरोधी नहीं है वो। मैं अब जो है आपको वादा करता हूँ कि मैं एक छोटा मोटा झोपड़ा मंगलौर में ही बनाऊंगा। मंत्री जी, भाजपा के लोग ही नाराज हैं आपसे, देखिए किस तरह से टेस्टी पार होगा। ऐसा अभी टिकट का मामला है, देखो मैं आपको बताऊँ, टिकट सबको चाहिए, कुछ को तो टिकट लड़ने के लिए चाहिए, किसी को हरवाने के लिए चाहिए, किसी को जितवाने के लिए चाहिए, तो उनका मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा समाज, ये 36 बिरादरी इस बात को समझती है कि भाई अच्छे का साथ देना है तभी कुछ दुखों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। जो देश को मजबूत करेगा वो मोदी जी को वोट करेगा। इस देश को अगर मजबूत करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, सबकी सुरक्षा करनी है, वो कहते ना विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सब इकट्ठे होके मोदी जी के साथ पूरी मदद करके। मैं तो कहता हूँ 400 बार तो कह ही दिया था, लेकिन 400 बारे जाके देना तो ये देश के लिए तो कर लो, अपने लिए तो दुनिया ही करती आई है। और कहते हैं भव सागर वही पार करते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, तो मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिला करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हुआ ही नहीं करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, जय हिंद, जय भारत। बता दें कि इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलौर से मेरा पुराना नाता रहा है, मंगलौर उपचुनाव में अगर भाजपा हाईकमान उनको मौका देती है तो वे मंगलौर में विकास की गंगा बहा देंगे। और उन्होंने मंगलौर के लोगों को विश्वास दिलाया है कि वह उनके बीच में रहकर एक छोटा सा झोपड़ा बना कर रहेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे और इनका कर्ज उतारेंगे। वहीं पूर्व मंत्री व भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विकसित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सबको मिलकर उनके कंधों को मजबूत करना है ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। उन्होंने कहा कि धामी जी जैसे मुख्यमंत्री बहुत कम होते हैं और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तो होते ही नहीं है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।